ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰੀਲਾ ਟੀਵੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 37th ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, PAU ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਟੀਮਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 118 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰਦੇ। ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PAU ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਨਗੀਆਂ, ਥੀਏਟਰ, ਡਾਂਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਆਰਟ, ਕਰਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀਆਂ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਜੀ ਸਰ, ਆਂਗਿਕਮ ਭੁਵਨਮ ਯਸਯ ਵਾਚਿਤਮ ਸਰਵਾਂਗ ਵਾਂਗਮਯਮ ਆਹਾਰਯਮ ਚੰਦ੍ਰ ਤਾਰਾਦਿ ਤਮ ਨਮਃ ਸਾਧਿਕਮ ਸ਼ਿਵਮ। ਅਰਥਾਤ ਸੰਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਜਿਸਕਾ ਅੰਗ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ, ਸਮਗ੍ਰ ਵਾਂਗਮਯ ਜਿਸਕੇ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਚੰਦ੍ਰ ਤਾਰਾਓਂ ਸੇ ਜੋ ਵਿਭੂਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਾਧਕ ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਵੰਦਨਾ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਅਭਿਨੈ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਸੇ ਰੰਗਮੰਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਸਤ ਕਲਾਓਂ ਕਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਸੰਗੀਤ, ਨ੍ਰਿਤਯ, ਨਾਟਕ, ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਸਮਸਤ ਵਿਧਾਏ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਤਭੀ ਵੋ ਰੰਗਮੰਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਮਾਨਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਤੇ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਏਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ਕ ਔਰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਰਟ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਸਭੀ ਕਲਾਓਂ ਕੋ ਸਮ੍ਰਿਧ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਯੇ ਹਮਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰੰਗਮੰਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਰੰਗਮੰਚ, ਜੈ ਹਿੰਦ। सर, फर्स्ट टाइम पंजाब में नेशनल यूथ फेस्टिवल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? रंगले पंजाब दी सिफत सुनावा, जिथे रव वर्गिया मावा, धरती पंज दरिया दी राणी, जिथे शरबत वर्गा पा। तो ऐसे पंजाब की भूमि पर आके हम सभी अभिभूत हैं और बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। पंजाब एक बहुत अद्भुत धरा है जहाँ कला, संस्कृति, साहित्य का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और हम सब आके बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे हैं अपने आप को। सर, देखा जाए जो थिएटर की जो विधा है जी, वो सुखम कला है। बिल्कुल। तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं आइसोलेशन चाहिए, शोर शराबा नहीं है। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है ये स्टेज सफिशिएंट है? नहीं नहीं, आपका कहना बिल्कुल जायज है। रंगमंच एक बहुत संवेदनशील और सेंसिटिव कला है, तो इसके लिए कम्पैक्ट ऑडिटोरियम इंडोर हो तो वो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन चूंकि युवा उत्सव है, ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया होगा कि सब लोग बैठ पाए, इस कारण से ऐसा रखा हो गया होगा। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है, मेरा ऐसा मानना भी है कि रंगमंच बंधी हुई कला नहीं है। हर जगह गली, नुक्कड़, चौराहे, खेत, खलियान, हर प्रकार की शैली होती है। वो तो नुक्कड़ नाटक होना चाहिए। नहीं नहीं, पर स्टेज प्ले है ना। एक्चुअली युवा उत्सव है तो हर प्रकार के ड्रामा होते हैं, तो एक्टर के लिए भी चैलेंज है कि जब कम्पैक्ट में करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन, बॉडी ओरिएंटेड क्या होगा, और जब लाउड में है तो हमें कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। तो बहुत सी ऑडियंस है जो थिएटर प्रेमी है, वो तो व्यूज आ रहे हैं जी, ये ओपन में नहीं होना चाहिए था क्योंकि लाइट्स की प्रॉब्लम होती है, लाइट चाहिए होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको ठीक लग रहा है? नहीं, उनका कहना जायज है। दर्शक सबसे महत्वपूर्ण होता है, दर्शक की, क्योंकि दर्शकों के लिए ही नाटक होता है। अगर उन्होंने इस तरह के बिंदु उठाए हैं, रेखांकित किए हैं, तो निश्चित रूप से ये शोचनीय प्रश्न है। तो ओवरऑल इस पूरे फेस्ट के लिए क्या कहेंगे? ओवरऑल फेस्ट बहुत बढ़िया है और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। आयोजन बहुत अच्छा है, पंजाब का खाना बहुत अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी यहाँ की बहुत अच्छी है, और विशेष रूप से चूंकि हम लोग कई सालों से लगातार नेशनल आ रहे हैं, हमारे बच्चे नाट्य एवं रंगमंच विभाग के ही है, रंगमंच की ही पढ़ाई करते हैं, तो इनके लिए तो अलग अलग जगह स्थान पर नाटक करना, अलग अलग शैलियों में नाटक करना, अलग अलग स्थानों पर नाटक करना, इनके लिए बहुत एक एक्सपोजर होता है और उसके साथ साथ कला का एक्सचेंज होता है। क्योंकि नेशनल में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और दक्षिण, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की समस्त विश्वविद्यालय आते हैं, और ऐसे विश्वविद्यालयों की अलग अलग प्रकार की कलाएं, अलग अलग प्रकार की शैलियां, अलग अलग प्रकार के रंगमंच के तत्वों को लेकर आते हैं, तो हमें प्रदर्शन करने से ज्यादा सीखने को मिलता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। सर, देखा जाए बहुत से थिएटर आर्टिस्ट जी दो तीन प्ले करते हैं, सीधा फिल्मों की ओर भागते हैं। बिल्कुल। तो आपको कैसे लगे? नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि रंगमंच एक बहुत धैर्य की कला है। मैं भी अपने बच्चों को बार बार समझाता हूँ, क्या है कि रंगमंच एक विशाल बरगद का वृक्ष है, जितनी ऊपर उसकी शाखाएं उतनी उसकी नीचे जड़े हैं। उस विशाल वृक्ष की मात्र एक छोटी सी शाखा है सिनेमा, जो मात्र 100 साल पुराना है। तो सिनेमा एक चकाचौंध भरी जिंदगी है, लेकिन रंगमंच के जीवन का स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकती। और इस समय का दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े जितने कलाकार हैं, रंगमंच को उनसे पहचाना जाता है, मतलब अरे ये थिएटर का कलाकार है, आशुतोष राणा, मुकेश वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, इरफान खान, ये सब थिएटर से गए हैं। तो क्या हो रहा है कि सिनेमा के कारण थिएटर की पहचान हो रही है, ये थोड़ा ठीक नहीं है, ये रंगकर्मियों को चिंतन का विषय है। मूल रूप से रंगमंच की पहचान रंगकर्मियों से होना चाहिए, उनके काम से होना चाहिए, जो अपनी जड़ों में जाकर, अपने गांवों में जाकर काम कर रहे हैं, वो असली रंगकर्मी है। सिनेमा कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन सिनेमा से उसकी पहचान ना हो और रंगमंच को लंबा समय दें, अच्छा थिएटर करें, उसके बाद सिनेमा में जाएं, तो निश्चित रूप से दोनों कलाएं समृद्ध होगी, सिनेमा भी बहुत अच्छा होगा। अगर रंगकर्मी बहुत लंबे समय तक रंगमंच करने के बाद जाता है, इसके हमारे पास बहुत लंबे उदाहरण है,
परेश रावल हूँ, नसीब साहब आज भी थिएटर कर रहे हैं, परेश रावल साहब आज भी थिएटर कर रहे हैं, तो वो लोग क्या है सिनेमा में भी कर रहे हैं लेकिन रंगमंच को ही उतना मजबूत कर रहे हैं जितना उसकी जरूरत है। सर बहुत अच्छे आपने व्यूज दिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे नेशनल यूथ फेस्टिवल पर? देखिए सारी चीजें जैसे हम लोग को नेशनल यूथ फेस्टिवल में अगर लेके आई है तो वो सबसे पहले मैं श्रेय देना चाहूंगा अपने गुरुओं को और अपने सीनियर्स को, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नए एडमिशन कॉलेज में आते तो हम लोग को ये पता नहीं होता कि यूथ फेस्टिवल सारी ऐसी चीजें भी होती है। लेकिन फिर जब पिछले साल भी यूथ फेस्टिवल किया तो जब मैंने जाना कि यार यूथ फेस्टिवल तो बहुत अच्छी चीज़ है, अलग अलग जगह की आपको आर्टिस्ट मिलते हैं और बहुत सारे लोग मिलते हैं यहाँ पे जो कलाकार, तो उनसे संबंध बनता है, तो एक अच्छा समन्वय लगता है। तो ये सारी कृपा गुरुओं की है और सीनियर्स की है। और पंजाब आप लोगों की सिटी तो खाने के लिए, घूमने के लिए और सारी चीज़ों के लिए तो फेमस है ही, और यूथ फेस्टिवल की भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने मिल रही है। तो कहाँ से आए हम लोग? राजा मान सिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। तो अभी आपकी परफॉर्मेंस होनी है? हाँ, हम लोग इसी के बाद परफॉर्मेंस होनी है जिसको डायरेक्ट किया है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, जो हम लोग के HOD हैं राजा मान सिंह तोमर म्यूजिक एंड डिपार्टमेंट के। तो क्या थीम है, क्या नाम है प्ले का? प्ले का नाम है सर रामायण गाथा, जिसके अंदर राम लक्ष्मण और सारी रामायण से जुड़ी हुई सारी चीज है। तो कौन सी शैली में प्रेजेंट करेंगे इस प्ले को? ये संस्कृत शैली का है। नाटक करते हुए मेरे को 5 साल हो गए सर, और ड्रामा एंड थिएटर डिपार्टमेंट में मुझे 2 साल हो गए, दूसरा वर्ष है। तो ये फर्स्ट टाइम आप नेशनल में आए या उससे पहले भी नेशनल? नहीं, ये मेरा दूसरा नेशनल है सर। दूसरा जी, तो होप आपका तीसरा नेशनल में वो हैट्रिक करें आप। थैंक यू सर। तो अगर तुसी लवर हो इस एक्टिविटीज दे किसी भी फील्ड दे तो इत्थे आओ, तो इत्थे आके पूरी जो डाइवर्सिटी है उसका इंजॉय करो, आनंद मानो। तुसी देख रहे हो खबरीला टीवी, कैमरामैन विपन अरोड़ा दे नाल मैं गुरमीत सिंह।